is potential due to a system of charges. पिछले वीडियो में क्या देखा था? पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, अ पॉइंट चार्ज. ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज एक साथ कंबाइन होंगे और पोटेंशियल बनाएंगे. तो यहां पे आपको पॉइंट चार्ज कंसिडर करने हैं. जैसे कि ये कोई पॉइंट है, कोई चार्ज यहां पे है जिसे Q1 बोलेंगे, उसका डिस्टेंस कुछ R1b लेंगे. ये कोई पॉइंट है, Q2 चार्ज है, उसका डिस्टेंस कुछ R2b मेजर करेंगे. ये कोई पॉइंट है, उसका Q3 है, R3b करेंगे. ये कोई है, उसको Q4 बोलेंगे, दैट्स R4b. ओके, आपको करना क्या है, अलग 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 चार्जेस लेने हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट साइड पे, अब सर्कल में कहीं भी ले सकते हो, पूरे बोर्ड में. ठीक है, पूरे बोर्ड में हम स्प्रिंकल कर दो चार्ज, उसके बाद कोई पॉइंट अज्यूम करो, कंसीडर करो. उस पॉइंट से हर एक चार्ज का डिस्टेंस क्या होता है, R1p, R2p, R3p, R4p. R4p मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 4 एंड पॉइंट p. जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी. ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये टॉपिक की बात हुई थी तो सबसे पहले वहां पे कौन सी चीज अप्लाई की थी हमने, कि वेक्टर्स हम यूज किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जहां पे आपको प्लस माइनस से रिलेशन करना पड़ेगा. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें वो प्लस माइनस से कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जाना है, वेक्टर्स हम यूज करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो द टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज ड्यू टू V1, V2, V3, V4. Is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 by R1P, 4 pi epsilon 0 Q2 R2P, 4 pi epsilon 0 Q3 R3P, 4 pi epsilon 0 Q4 R4P. ओके, यहां से हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लेंगे, VP. Q1 R1P, Q2 R2P, Q3 R3P, Q4 R4P. ओके, सपोज सिस्टम हैज n चार्जेस. अगर सिस्टम के पास कुछ n चार्जेस होते तो Vp equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 R1P Q2 R2P plus dot 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 4 की जगह पे सीधा n ले लो. Is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 sigma q divided by rp. अब ध्यान से देखो, आपका वेरिएंट क्या होता है, तो q की वैल्यू वेरिएंट होती है i, p और r के बीच में वेरिएशन मिलता है 1, 2, n, i. सो सिग्मा फॉर i 1, 2, n. So this is
थ्योरी ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसमें आपको दो और दो से ज्यादा जब चार्ज हम यूज करेंगे तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि हमने डायपोल भी ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डायपोल में हमें दो चार्ज मिलते हैं। बट याद रखना, यहां पे चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको अगर चार्ज पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव लेनी है, चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेनी है। जैसे कि लेट्स सी, इफ टू चार्जेस आर वन पॉजिटिव V equals to V1 plus V2, 1 of 1 4 pi epsilon naught Q1 divided by R1P, 1 of 1 4 pi epsilon naught Q2 divided by R2P. अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो, if both are negative, then then V equals to, आप लिखोगे तो V1 plus V2, लेकिन due to this negative charge, पहले से हमें negative sign मिलेगी, 1 of 1 4 pi epsilon 0 Q1 by R1P minus 1 of 1 4 pi epsilon 0 Q2 by R2P. okay, अगर सपोज ऐसा होता है कि वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, इन दिस कंडीशन आपको यूज तो यही करना है वी वन प्लस वी टू, बट अगर सपोज पहला पॉजिटिव है तो आप उससे पॉजिटिव कंसिडर करोगे और दूसरा अगर नेगेटिव है तो माइनस करोगे। अगर पहला माइनस होता तो माइनस यहां पे होता और ये पॉजिटिव होता तो यहां पे पॉजिटिव कंसीडर करते। ठीक है, तो ये है आपकी थ्योरी पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसे कैसे यूज करना है। दो चार्जेस हो, अगर तीन दिए हो तो जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव कंसिडर करो, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव कंसिडर करो। ठीक है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में है। डायरेक्शन के हिसाब से जाना होता है, कॉस थीटा साइन थीटा यूज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जस्ट चार्ज की साइन देखो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस उस हिसाब से जाओ। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट और पोस्ट टू राइट।